पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत आने का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में 2014 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत दौरे के बाद ये पहला मौका है जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आ रहा है। आपको बताएं तो ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो आए दिन भारत, कश्मीर और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। भारत इस बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है और इस साल सितंबर महीने में गोवा में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिलावल भुट्टो भारत आएंगे। भारत ने कश्मीर से जब धारा 370 हटाई तब पाकिस्तान ने अपने किसी मंत्री या नेता के भारत दौरे पर नहीं जाने का ऐलान किया था, लेकिन अब पाकिस्तान की अकड़ ढीली हो गई है। पाकिस्तान को अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि बिना भारत के उसका काम नहीं चलने वाला है। पाकिस्तान में स्थितियां बदतर हैं और ऐसे में भारत को नाराज करना पाकिस्तान के लिए और ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। मार्च में पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया गया था कि अभी तक भुट्टो के भारत जाने के मसले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और अब काफी सोच समझकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे का ऐलान किया है। ऐसे में ये दूसरी बार होगा जब बिलावल भुट्टो भारत आएंगे। इससे पहले वो साल 2012 में अपने पिता और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ अली जरदारी के साथ भारत आए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहते हुए बिलावल भुट्टो कई बार भारत और पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं। बीते साल दिसंबर महीने में यूनाइटेड नेशंस में बोलते हुए बिलावल ने भारत में भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भारत ने बिलावल को करारा जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। आपने देखा होगा पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठीकरा हर बार भारत पर फोड़ने की कोशिश करता है। पाकिस्तान आज अपने ही पैदा किए आतंकवाद की मार झेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब भी इस बात को स्वीकार नहीं करता।